तो लोकसभा चुनाव का आज दूसरा चरण है और इस मौके पर पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग और उनकी पत्नी रचना गर्ग ने गांधीनगर के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदान किया है। और खास बात तो ये भी है कि कपिल गर्ग की पत्नी रचना गर्ग ने पहली बार ये मतदान किया है। इस मौके पर कपिल गर्ग ने सभी प्रदेशवासियों से शांतिपूर्वक और निष्पक्ष अपने मतदान का प्रयोग करने की लोगों से अपील भी की है। तो लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान जरूर करें और अपनी जो भागीदारी है वो जरूर सुनिश्चित करें। कपिल गर्ग जयपुर पुलिस महानिदेशक अपनी पत्नी के साथ बूथ केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने गांधीनगर के स्कूल में वोट डाला और पूरे प्रदेश भर की जनता से वे यही अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, भयमुक्त होकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है आज और मैंने अभी अपना मतदान किया। मैं अपील ये करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से कि शांतिपूर्ण और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में अपना सहयोग करें और अपने जनप्रतिनिधियों को सुने, यही मेरी अपील होगी। और मैं साथ ही अपने पुलिस अधिकारियों के लिए भी एक मैसेज देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत मेहनत करके पहले चरण में बहुत शांतिपूर्ण मतदान कराया और मुझे विश्वास है कि इस चरण में भी उनकी मेहनत रंग लाएगी और चुनाव पूर्ण शांतिपूर्ण और स्वस्थ।